जी दोस्तों, सो वेलकम टू सीएस वाला। चलो भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, जो ऐसी गलतियां जो आज नहीं बहुत पुराने टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ही आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, आपने भी करी थी? यस यस, और वही मिस्टेक मैंने तुम्हारे को पहले भी बताया यार। मैं एक भाई आम स्टूडेंट था आप सब लोगों की तरह, पेपर से डर लगता था, और इनमें से कुछ ना कुछ गलतियां तो पक्का ही करके आया। तो मैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स तो इसलिए क्योंकि जितनी बार मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है सो फार मुझे देखने को मिला है कि भाई स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां तो करते ही आ रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये बात है बहुत पुरानी। सर ये बात है क्या, मतलब 1800 BC की? नहीं देखो, स्टूडेंट का जो नजरिया है ना, रीजन क्या होता है सर, हमारा पेपर क्यों रह जाता है ना, रिजल्ट आता है भाई, रिजल्ट में 10% बच्चे पास होते हैं, हम उस 10% में 12% में क्यों नहीं है? देखो कुछ उनकी भी बात करूंगा जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना। क्या सर, सबसे पहली गलती जो हम कर देते हैं वो होता है कि इंस्टीट्यूट ने जो आपको इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल बनाकर दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा उसे इग्नोर करते हैं, उसके बारे में पता सबको है, बस बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है इस बारे में, वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कभी खोल कर ही नहीं देखा, कभी चेक नहीं करा। बेटा पेपर सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही आता है। जो भी, अगर मान लो आज मैं अपनी बुक बनाता हूं तो उसका बेस क्या होगा सर? स्टडी मटेरियल। पेपर में जब भी हम लोग बात करते हैं, मैं जानता हूं चीजें रिपीटेटिव नेचर की होती हैं, बट वो बार बार रिवाइज करवा। यहां से बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मैंने अभी भी देखे हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई पुराना मटेरियल रेफर कर रहे हैं, पुरानी कोई बुक पढ़ रहे हैं जिसमें अमेंडमेंट भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सर। मार्केट में ना हमारे को वो मिलते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, बहुत अच्छी बात है, आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस करके जाते हो बहुत अच्छी बात है, पर सर सिर्फ और सिर्फ मैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स पे डिपेंड नहीं रह सकता। अब वो जमाना गया जब क्वेश्चन में पेपर सीधा आता था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चार्ज, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज। नहीं, अब ऐसा नहीं होता, अब सिचुएशन फिक्स्ड इंप्लाइड क्वेश्चन आता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, और मार्केट में जो चीजें अवेलेबल है ठीक है, आप पढ़ते हो आपको पसंद है तो अच्छी बात है, पर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर चाहिए वो भी फ्री में मेरी साइड से गिफ्ट, सर्च फॉर सजेस्टेड आंसर्स बाय ICSI, इंस्टीट्यूट खुद निकालता है हर एक अटेम्प्ट के, गो एंड चेक देम। ओके, दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं, ध्यान रखना, ICSI का स्टडी मटेरियल प्लस साथ में आते हैं सर सजेस्टेड आंसर। सजेस्टेड आंसर कह रहा बिल्कुल, ये जो काम है ना सर, ये जो काम है ये बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया कह रहा है, बहुत बढ़िया टॉप नॉच कॉम्बिनेशन है ये। ओके, अब अगली बात पे आता हूं, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिकल में नहीं होता ये होता है थ्योरी में, जब आपके पास पता ही नहीं है, आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आपने बहुत सारे प्रोविजंस को याद कर लिया, आपने सेक्शन को याद कर लिया, आपको केस स्टडी तक याद है, जो बहुत सारे बच्चे केस स्टडी नहीं याद रहती, पेपर में पता नहीं क्या पूछ रही है सर। कह रहा फिर कह रहा आपके पास क्वेश्चंस तो हैं, अब क्वेश्चन सर घूम फिर कर आ जाता है, और आपको तरीका नहीं पता कि आपने कैसे लिखना है, लिखना नहीं पता। यस, आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है भाई, पहले लॉ का प्रोविजन लिखो, फिर ये लिखो कि इसके अंदर क्या होगा, एंड में कंक्लूजन दे दो, सिंपल सा हार्ड एंड फास्ट रूल है। अकाउंट्स पढ़ते हो, कॉस्टिंग पढ़ते हो, टैक्सेशन पढ़ते हो, तो क्या होता है वहां पर सर, FM पढ़ते हैं। हाँ, क्या करते हो, वर्किंग नोट्स बनाते हो। हाँ, वर्किंग नोट्स बनाते हैं, यहाँ थोड़ी होते हैं वर्किंग नोट्स, यहाँ क्या होता है, पहले लॉ का प्रोविजन लिखो जो उसने पूछा है, देन बताओ ऊपर वाली केस स्टडी में क्या होगा, और एंड में कंक्लूजन देकर आ जाना, ठीक है? ये फिक्स चीजें हैं, इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे जरूर हो जाता है, मौका मिलेगा आंसर लिखकर भी दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर। ATU बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है भाई। आगे चलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करें, आंसर्स लिखना शुरू करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने सारे देखते हो, अगर वो आपको आते हैं तो आंसर लिखो, आंसर लिखो भाई। पहली बारी अगर किसी ने लेटर लिखा होगा तो सबको काओ पैस से आता था, आज के टाइम पे अगर बॉस से लीव लेनी है, काओ पैस से थोड़ी लिख के भेज दूंगा, नहीं ना, वो बचपन की चीजें थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम और चीजें सीखते हैं। आगे चलते हैं सर, है ना, स्कूल में होता था लेटर, जैसे स्कूल में लेटर कैसे होता था भाई, प्रिंसिपल को भेज रहे थे, सविनय निवेदन, अपने बॉस को यहाँ पे सविनय निवेदन तो नहीं लिख सकता ना, चीजों को बेटर करो, आंसर लिखने की आदत डालो, ठीक है? उसके लिए आप टेस्ट भी कर सकते हो, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो,
उसके लिए आप हमारे पास भी हर बार हर चैप्टर की जो रिवीजन हो रही है उसके साथ में डीडीपीज हैं, वो डाउनलोड करो, वहां देखो हर एक क्वेश्चन कौन सा कितने नंबर का आया, चेक करो। आगे चलता हूँ सर, अब हमें सेक्शंस नहीं पता, केस स्टडी नहीं पता, हमें प्रोविजंस नहीं पता, याद नहीं रहते हैं। क्या करें बताएं, क्या किया जाए सर? यार कोई बात नहीं, इसीलिए क्योंकि आपने सेक्शंस को एक जगह शायद नहीं लिखा, या आपने सेक्शंस के साथ की रिलेटेबल स्टोरीज पर ध्यान नहीं दिया, रिलेटेबल स्टोरीज पर। यस, पब्लिक कंपनी का सेक्शन कैसा है सर? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए सर? 7 लोग चाहिए। ओके, सारी डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन नंबर 2 में। सर 7 लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एक जगह लिख लिया और सुबह शाम अगर उसको देखते रहते हो तो सर याद हो जाएगा। हाँ याद हो जाएगा, जैसे आपका फेवरेट गाना आपको याद है क्या? नहीं, सुबह शाम सुनते रहते थे याद हो जाता था, ऐसे ही इसकी भी शीट बनाओ, सामने लगाओ, सर सुबह शाम देखोगे याद हो जाएगा। दो चम्मच के साथ कहते ना डॉक्टर, कहते दो चम्मच सुबह दो चम्मच शाम को, बस। उसके बाद आती है अगली एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक, LRM। सर ये LRM क्या है? ये देखो डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास, या हम लोग बात करें हमारे आस पड़ोस में ही वैसे लोग होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, पर डिफरेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन में, उसकी प्रिपरेशन में, या मेरी प्रिपरेशन में और एक टॉपर की प्रिपरेशन में? उसके घर में क्या दिवाली नहीं आएगी, उसके घर में दशहरा नहीं आएगा, उसके घर में गेस्ट नहीं आते हैं, उसको कोई मूवी अच्छी नहीं लगती है, उसको कोई गाना भी नहीं पता होता? सर कहाँ रहते हैं ये, कहाँ रहते हैं? यही है सर, हम लोगों के साथ ही हैं। बस वो एक चीज को समझ लेते हैं कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, जो गलती से भी दिन का पेपर दोबारा आ गया है किसी रीजन की वजह से, आप मतलब एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, सर मिस्टेक से सीखो। आप पहले क्या गलती करके आए हो, अगर आपको यही नहीं पता तो आगे फिर वही सेम गलती कर रहे हो ना यार। विराट कोहली की फॉर्म आउट है, उसको पता है कवर ड्राइव नहीं खेलना आता, तो कवर ड्राइव पे काम करेगा ना। प्रिपरेशन के सिर्फ दो ही पिलर्स हैं, पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा रिविजन, और सर एक और है, और तीसरा आपके पास आता है प्रेजेंटेशन। अब आपको देखना है आप कौन से पिलर में लैग कर रहे हो, पेपर में पहुंच जाते हो। देखो ये छोटी सी बड़ी, छोटी सी जैसे डिसीज होती है ना, यहाँ पे भी ये छोटे छोटे लैग्स हैं। पेपर में पहुंच के सर आंसर नहीं याद रहता, घर पे तो याद था, लैक ऑफ रिविजन की वजह से है मेरे दोस्त। पैरासिटामोल थोड़ी खाऊंगा इसके लिए, रिविजन पे काम करूंगा। पेपर में गया हूं सर, आंसर आता ही नहीं था, घर पे भी नहीं आता था, वहां भी नहीं आता था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, जो आपको आता है उसे लिखो तो सही सामने, उसे लिखो तो सही, को लिखना ही नहीं आ रहा। ओ ऐसा क्या, कॉपीराइट का प्रेजेंटेशन का कुछ पता ही नहीं? कॉपीराइट तो सॉरी सॉरी गलत बोलती है मैंने। अब आते हैं, बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट से क्या मतलब है सर? कह रहे सर टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी कूल है, सर पेपर आएगा तब की तब देखेंगे। चलो मेरे पास दो सिनेरियोस आपके लिए हैं, एक है बेटा चिंटू, एक है बेटा पिंटू। चिंटू क्या है? चिंटू पेपर आने से पहले 12 घंटे किसी से नहीं मिलेगा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करेगा, मतलब कि कम से कम भी 15-16 घंटे की पढ़ाई करेगा, तो 12 घंटे इफेक्टिव स्टडी निकला है, जो बहुत अच्छा रेशो है, बहुत अच्छा रेशो है, तो मैं मान लूंगा भाई पिंटू बहुत काम कर रहा है। अगर पिंटू ने पेपर से एक महीना पहले, भाई छुट्टी तो इसको भी लेनी पड़ेगी, ब्रेक तो इसे भी चाहिए होगा, मशीन थोड़ी है हम लोग, कितनी देर पढ़ाई कर ली पिंटू ने सर? 300 आवर्स। 300 आवर्स तो एक ग्रुप के लिए भी भारी पड़ जाते हैं, हैं? एक ग्रुप के लिए भी भारी पड़ जाते हैं 300 आवर्स, कम पड़ जाते हैं। और अगर मेरे पास है बेटा चिंटू, तो क्या करना है हमें? चिंटू बनना है सर, हमारे को बनना है बेटा चिंटू। कैसे? सर आज 4 घंटे अगर पढ़ना शुरू करेंगे, 3 महीने बचे हैं अभी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सर आज से 90 डेज हैं, तो हर बार मैंने तो 75 वर्किंग डेज ले लिए, 15 छुट्टियां भी होगी, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, छठ पूजा भी है, सब मनाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। आज 4 आवर्स से शुरू करके 8 घंटे पे जाते हो, फिर 12 पे जाते हो, तो ऑटोमेटिकली टॉपर कोई अपने आप से नहीं बनता, उसकी मेहनत डिफाइन करती है कि वो टॉपर बनेगा या एवरेज स्टूडेंट बनेगा। बस ठीक है, मान लिया कि इतनी मिस्टेक्स हैं, बाकी मेहनत तो आपको करनी है सर। और ऐसे ही हम सभी लोग बार बार आकर आपको बताते रहेंगे कि क्या गलती होती है, क्या गलती नहीं होती, क्योंकि जैसे सास भी कभी बहू थी तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था। ध्यान रखिएगा, स्टे ट्यून्ड एट सीएस वाला।